हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो इसमें हम फिर से लीवरेज के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। होप सो आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कशन करता हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर पीकेजे एंड कंपनी, पंकज गर्ग एंड कंपनी, ऐसे दे दीजिए, या पंकज जैन एंड कंपनी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी है हमें। EBIT दे रखा है आपको 11,20,000, दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पे PBT या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसको हम बोलते हैं फुल, तो 3,20,000 दे रखा है। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, तो आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले EBIT मेरे को दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट दी चेंज इन EPS इफ द सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 5%। तो मेरा परसेंटेज चेंज इन सेल दे रखा है मेरे को। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन सेल मेरे को गिवन है। ये देख सकते हैं आप, परसेंटेज चेंज इन सेल गिवन है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरे को परसेंटेज चेंज इन सेल गिवन है। और क्या गिवन है, मुझसे पूछा क्या है? सबसे पहले मैं पूछने के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पूछा है परसेंटेज चेंज इन EPS, तो जो कि किस में निकलता है। यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ। हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, CL निकालना पड़ेगा, कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज कैसे आता है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कंबाइंड लिवरेज का। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू, मैंने कई बार वीडियोस में डिस्कशन करा है, तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते क्यों नहीं कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। इसी बहाने आपको भी याद हो जाएगा, मेरे को पता है, और मैं जान के पूछता हूँ ताकि आपको भी ये चीज़ अच्छे से याद हो जाए। तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, क्या था, क्या था, मैं तो याद ही नहीं आ रहा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। अरे कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, मैं तो भूल ही गया। अरे तो एक बताई तो सी सर आपने कि फिक्स कॉस्ट के जो ऊपर है वो लेना और फिक्स कॉस्ट के जो नीचे वाला वो लेना। तो अच्छा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT ये लूँ? हाँ बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को EBT तो पता है, EBT तो पता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,00,000 दे रखा है, साफ सीधी बात है। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको दे रखा है EBIT एंड फिक्स कॉस्ट। तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस करता हूँ फिक्स कॉस्ट, क्या माइनस करता हूँ, फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से मैंने माइनस कर दिया FC फिक्स कॉस्ट, तो मेरा आ जाता है EBIT, समझ लीजिए यहाँ पे EBIT आ जाता है, ठीक है। ये EBIT आ गया, कंट्रीब्यूशन में से मैंने माइनस कर लिया फिक्स कॉस्ट, तो मेरा EBIT आ गया। तो अगर मैं EBIT में प्लस कर लूँ, सिंपल सी बात करूँ, EBIT में अगर मैं प्लस कर लूँ फिक्स कॉस्ट, क्या प्लस कर लूँ, फिक्स कॉस्ट, तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो जरा मेरे को प्लस करके कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं मेनली आंसर लिखने वाला हूँ। तो इसमें ये मैंने प्लस करा तो 18,20,000 आ गया मेरा, तो 18,20,000 आ गया। आपका क्या है कंट्रीब्यूशन, मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है। 18,20,000 आ गया, मैं इसको के कर देता हूँ आगे, 20,000 को 18,20,000 आ गया मेरा, ये आ गया मेरा कंबाइन लिवरेज। मैं इसको लिख देता हूँ कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 18,20,000। अब 18,20,000 मेरा कंबाइन लिवरेज आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, कंबाइन लिवरेज मेरे को मिल गया, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मेरे को कंबाइन लिवरेज यहाँ पुट करूँगा और EBIT पुट करूँगा। तो मैं आपके लिए कैलकुलेटर में फटाफट कर देता हूँ, तो आप भी मेरे को कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि आपका आंसर आ रहा है क्या। तो 18,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5, ये देखो मेरा आंसर आ रहा है 5.6875 सर आ गया, मैं राउंड ऑफ में लेता हूँ 5.69 मेरा आंसर आया, देख सकते हैं हम कैलकुलेटर में मेरा 5.69 आ रहा है। तो अब ये मेरा कंबाइन लिवरेज आ गया। अब कंबाइन लिवरेज का मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक और फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है कंबाइन लिवरेज का, तो कंबाइन लिवरेज का एक और फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, प्लीज़ पेंसिल ले ली मैंने यहाँ पे, CL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल चेंज, अरे बड़ा टफ है इसे लिखना, इन सेल, इससे तो अच्छी राइटिंग मेरी पेन से आ जाती है। तो
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल आपका आ गया ये। तो अब क्या करना है, सीएल आपको पता है, सीएल अभी निकाला 5.69 मैंने यहां पे लिख लिया इस इक्वल्स टू, मेरे को परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है तो ये तो मैं ऐसे लिख दूंगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, यहां पे आप लिख लेना, और ये दे रखा है 5। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 5.69 इंटू 5 कर लिया, मेरा आंसर आ गया 28.45। मेरी परसेंटेज चेंज इन क्या आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मुझसे पूछा था, मैं डायरेक्ट आंसर ये अपना ऑनलाइन पुट कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 28.45, और ये आपका आंसर हो गया, परसेंटेज लगा देना और ऐसा करके आपका आंसर आ गया। अब जो अगर आपसे ऑनलाइन, आपको पता है आजकल ऑनलाइन एग्जाम, इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने 2021 में, दिसंबर 2021 में, आपने आंसर ऐसे पुट कर देना। थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार अपना वैल्यूएबल मतलब कमेंट, प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में दें, मेरे को सजेशन दें अपना वैल्यूएबल सजेशन कि मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव कैसे करूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।